मॉर्निंग। आज नाश्ते में जो चीज़ है ना, वो कम लोग उसको जानते होंगे, जानते तो होंगे लेकिन कम लोगों ने खाई होगी, ये चोंगे, चिकन चोंगे। ये चोंगे होती है, ये पुराने बंदे बड़े खाते थे, हमारे हमसाए में एक माई जी थी, वो बड़ी खाती थी, लेकिन आम लोग जो है ना ये नहीं खाते, क्योंकि ये कड़वी होती है ना, और इन्हें मीठा करना बड़ा मुश्किल होता है। भाई देखते हैं कौन आ गया जी। ये कामरान आ गए। वालेकुम, क्या लाए हो? ये पालक है, मूली और धनिया, शलजम है। ताज़े हैं सारा कुछ? ताज़े तोड़ के लेकर आया हूँ। चले ठीक है, फिर अंदर किचन में रख दे जाओ। ठीक है। क्या पूछ रहे? फ्रिज। ये वाले? अच्छा, चेक कर लें। बर्फ बर्फ नहीं बनाता ना? नहीं, उस साइड वाला ये तो बर्फ वाला है। आपको फ्रिज में ना लगा दे, जरा ठंडे हो जाएंगे, गोरे भी हो जाएंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सफाई की, फ्रिज की सफाई करने की ट्रेनिंग होती है, वो मुझे आती है, क्योंकि 12 साल मैंने कंपनी में काम किया ना, तो इसकी जब डस्टिंग करानी हो कुछ भी हो तो आप मुझे एक दिन पहले कह देना। ठीक है। तो इसके लिए विम से और सरफ से काम होता है, मतलब कपड़े से, फिर इसको खराश वगैरह नहीं लगेगी कुछ भी। ठीक है, तो सफाई करने का भी कोई तरीका होता है तो उनसे सिखाते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। तीन महीने की ट्रेनिंग होती है, डस्टिंग किस तरह करती है फ्रिज की, आपको बता देंगे। तो मुझे तो आती है ना, मैंने तो सीखा हुआ है वहाँ पे पहले कंपनी में काम। अब जब ये साफ करनी है ना, फिर मैं आपको बता दूंगा, आप आगे कर देना। ठीक है। मिसवाक्स भी पहुँच गई, नया कोटा मंगवा लिया मिसवाक्स का। सर्दियों का मौसम भी जा रहा है, बस गाजर के खीर के भी आखिरी आखिरी दिन ही है। इंजॉय कर लें जितनी कर सकते हैं। आए दिन को एक ऐसा खाना है जनाब, जो शायद हो सकता है आपने भी ना खाया हो, ये मूली और पालक। मैं तो पहली बार ये खाने लगा हूँ, और हैरत अंगेज़ तौर पे ये बड़ा टेस्टी है। आप भी लाजमी तौर पे ये एक बार चेक लाजमी कीजिएगा, बना के खा के। मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये इतना टेस्टी निकलेगा। कैसा गाड़ी में बैठ के बाहर की नज़ारे भी आ जाते हैं आपको, सन रूफ आ गया, मून रूफ आ गया। आज हम फार्म पे जानवरों की वैक्सीन करने लगे हैं। एक साइड तक नहीं है, और फिर ना और एक और फिर है, इस साइड तक नहीं ना, नहीं उस साइड से सारा उतर रहा है, विश करो, चेक कर लो ना, विश ला दो। ये गोट की का ऑर्डर आ गया जी, 1 kg का, साथ एक पाव का भी आया जी। जी सर, एक पाव का भी। तो ये स्टिकर लगा के ना, तो वो डिस्पैच करने लगे। इधर कुछ जनाब बंदे बकरियां ख़रीदने आए हुए हैं, शायद गुजरांवाला से आए हैं। कल हमारी 2 बकरियां सेल हुई थी, आज देखिए क्या बनता है। बकरियां पसंद की जा रही हैं। ले जी, ये 3 जो है ना, ये सेल हो गई है। इस वक्त जनाब हमारे साथ मौजूद हैं पाउडर के सुदागर। ये पाउडर सेल करते हैं, इन्होंने अपना ट्रक खरीद लिया पाउडर सेल करने के लिए।
लेकिन ट्रक खरीदने के बाद पता चला जी कि ट्रक चलाना वो आसान काम नहीं, तो प्रोजेक्ट ट्रक वाला फेल हो गया। अब ये रक्षक के ऊपर बॉर्डर पेचा करें इनका ना जी वो खेड़ी किस चीज़ की फैक्ट्री, प्लास्टिक पैरिस। हाँ प्लास्टिक पैरिस की इनकी फैक्ट्री। ये जनाब देखें साइंस लैम रेडी में क्या लोड करके लेके जा रहे हैं। ओए लैग नहीं लदी है हैं कारखाने नाल ही गड्डी से आउंदा है इधर रखो के ना लाल एडा बेबी तो के इंटरव्यू नहीं देता ओ सानिया लैग नहीं लेके चला किधर है किथे घर क्या करनी है और भी बातें पर इसको देख के नहीं हो पाएंगी बातें कोई भी वॉइस मैसेज भी बात करूंगा तो आप मुझे बता देना ठीक है। अच्छा चलो ठीक है से मिलता है। आज एक बार फिर चिकन पोर्ट की पार्टी चल रही है।